ठीक है सर, कल से जो ऑपरेशन चल रहा है उसकी डिटेल्स क्या है और अभी तक ऑपरेशन किस स्टेज पर है? कल सिक्योरिटी फोर्सेस जो है कुछ समय से उनको फॉरेन टेररिस्ट का जो अपर रीजन में मूवमेंट का जो इतला थी और उसी असना में यहाँ जो है गागरमंडू जो इलाका है वहाँ पर सर्च ऑपरेशन चल रहा था। तो सिक्योरिटी फोर्सेस की पार्टी को कुछ फॉरेन टेररिस्ट का मूवमेंट दिखा और इसी असना में उनका जो गोलियों का तबादला हुआ आपस में और उसके बाद ये ऑपरेशन स्टार्ट हो गया। तो अपर रीचेस में है ये गागरमंडू के अपर रीचेस में ये ऑपरेशन चल रहा है और इस ऑपरेशन के दौरान जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के जो दो अहलकारों को जो थे वो शदीद तौर से जख्मी हो गए थे। बाद में दे अटेंड मार्टिरडम आल्सो, एक अहलकार और इंजर्ड था जो कि अभी स्टेबल है। और इसी वहां पर एक और तफ्तीश का मौजू भी है, वहां पे कुछ और लोग थे जो कि इस गोलियों के तबादले में उसकी जद में आए, जिसमें एक जो सिविलियन था वो भी शदीद तौर पे जख्मी होके ही सकम टू हिज इंजरीज। जो दूसरा सिविलियन है वो जेरे इलाज है और अभी तक की ताज़ा जानकारी से वो अभी थोड़ा सा स्टेबल है। सर ये जो ग्रुप है इसके बारे में क्या जानकारी है कि डोडा किश्तवाड़ से इन्फिल्ट्रेट करके कश्मीर? देखिए ये अभी बहुत प्रीमेच्योर होगा पर क्योंकि ये इलाका जो है डोडा की जो सीमाएं हैं बॉर्डर है उसके उसी के पास में है, ये उसी बॉर्डर्स के काफ़ी पास में है। तो ये अभी आपको बाकी तफसीलात जो है बाद में साझा की जाएंगी क्योंकि अभी ऑपरेशन अभी चल रहा है, सर्च ऑपरेशन काफ़ी इंटेंसिवली चल रहा है तो उसके बाद जब कंक्लूड होने के बाद ही इस तरह की जानकारी शेयर कर पाएंगे। कितना बड़ा एक ग्रुप था जिनके साथ ये एनकाउंटर? अभी ये ग्रुप था लगभग 3 से 4 होने का कयास है जो कि अभी जब ये कंक्लूड होगा तो उसी के बाद सर्च ऑपरेशन होने के बाद ही आपको और पुख्ता तौर पे इसकी जानकारी बताना मुनासिब होगा। सर जो सिविलियंस कम हुआ है क्या वो OGW था या फिर आम नागरिक? देखिए ये तफ्तीश का मौजू है क्योंकि वो उनका वहाँ पे रहना और उसी जो टेररिस्ट हैं उनके आसपास उनकी मौजूदगी होना दैट इज़ अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। वी आर ऑल्सो इन्वेस्टिगेटिंग देयर रोल्स एंड इन्वॉल्वमेंट इफ देयर इज़ एनी। Thank you, sir.